नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन की सीरीज का विटामिन B2, दैट इज द राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 इज द पार्ट ऑफ विटामिन बी ग्रुप, इट्स अ पार्ट ऑफ विटामिन बी ग्रुप और इट्स ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल के अंदर हमने पढ़ा था ADEK, बट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इट्स अ पार्ट ऑफ विटामिन बी ग्रुप एंड इट्स अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब देखो, दो नेम है राइबोफ्लेविन, तो नेम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो नेम है दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स, वन इज द राइबोस एंड वन इज द फ्लेविन। राइबोस, राइबोस एंड वन इज द फ्लेविन, टू वर्ड है हमारे पास, वन इज द राइबोस एंड वन इज द फ्लेविन। टू वर्ड से जो राइबोफ्लेविन वर्ड है, टू वर्ड से मिलकर बना है, वन इज द राइबोस एंड वन इज द फ्लेविन। अब देखो, इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसकी हाफ रिंग है, हाफ रिंग है दैट इज फॉर्म्ड बाय वी येलो कलर्ड, जिसकी हाफ रिंग है, हाफ रिंग, इसकी जो रिंग है हाफ रिंग दैट इज फॉर्म्ड बाय दी येलो कलर्ड, येलो कलर की रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, येलो एंजाइम भी हम लोग इसको बोलते हैं, येलो कलर की रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाफ रिंग येलो कलर की प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द येलो एंजाइम। अब देखो, हम लोग बात करें तो राइबोफ्लेविन है, इसकी कंबाइंड फॉर्म होती है, वन प्रोटीन फॉर्म होती है और एंजाइम फॉर्म भी होती है। इसकी ये राइबोफ्लेविन है, इसकी कंबाइंड फॉर्म होती है, कंबाइंड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, और कंबाइंड फॉर्म किसकी होती है, प्रोटीन की भी होती है और एंजाइम की भी होती है। ये प्रोटीन और एंजाइम की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है, और जो प्रोटीन की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज द फ्लेवो प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्लेवो प्रोटीन, और एंजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज द येलो एंजाइम, दैट इज द येलो एंजाइम। तो बेसिकली हमने डिस्कस करा कि विटामिन बी ग्रुप का एक पार्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, टू वर्ड से राइबोस और फ्लेविन, और इसके अंदर येलो रिंग प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द येलो एंजाइम। कंबाइंड फॉर्म होती है प्रोटीन और एंजाइम की, प्रोटीन वाला जो होता है दैट इज द फ्लेवो प्रोटीन, और एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज द येलो एंजाइम। अब देखो, हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम टू टाइप्स का होता है, एंजाइम यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट और सेकंड। देखो, फर्स्ट वन टाइप्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन, फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं FAD। दूसरा हमारे पास होगा फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड, टू फॉर्म्स के अंदर एंजाइम्स की फॉर्म हमारे पास प्रेजेंट होती है। देन अब हम लोग बात करें फंक्शंस ऑफ राइबोफ्लेविन। देखिए डियर, जब फंक्शंस की हम लोग बात करें तो फर्स्ट वन फंक्शन होगा कि ये को एंजाइम का फॉर्म है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, ये को एंजाइम है दैट इज हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए असेंशियल होता है, आरबीसी फॉर्मेशन है, उस आरबीसी फॉर्मेशन के अंदर भी ये असेंशियल रोल रखता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि जो राइबोफ्लेविन है, ये बहुत सारे हार्मोनल जो सिस्टम है, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, तो हम लोग बोल सकते हैं रेगुलेटरी फंक्शन करता है, रेगुलेटरी फंक्शन, और रेगुलेटरी फंक्शन किसके साथ करता है, सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन के साथ ये रेगुलेटरी फंक्शन भी यहाँ पे परफॉर्म करता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रखता है। अब देखो, हम लोग बात करें इसके सोर्सेज की, दो तरह के सोर्सेज है हमारे पास, वन इज द एनिमल सोर्सेज एंड अनदर इज द प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज की हम लोग बात करें तो हमारे पास हो सकता है लीवर हो सकता है, एग हो सकता है, मिल्क हो सकता है, मीट हो सकता है, लीवर है, एग है, मीट है, मिल्क है, लीवर है, एग है, मीट है, मिल्क है, और उसके अलावा हमारे पास हो सकती है फिश, ये कुछ एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं। प्लांट सोर्सेज की बात करें तो दैट इज द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हमारे पास हो सकता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे पास हो सकता है। देन ड्राइड यीस्ट हो सकता है, ड्राइड यीस्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती है, ड्राइड यीस्ट हो सकता है,
देन उसके अलावा होल होल सीरियल्स हमारे पास देखने को मिल सकते हैं, होल सीरियल्स हमारे पास हो सकते हैं, होल सीरियल्स। तो बेसिकली ये हमारे पास टू टाइप्स के सोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल और प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। अब हम लोग बात करें इसके डेली रिक्वायरमेंट की। देखो डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, वो डेली रिक्वायरमेंट मेल और फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर हम लोग तीन तरह के वर्कर्स बोल सकते हैं, सेडेंटरी वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हेवी वर्कर। सेडेंटरी, मॉडरेट और हेवी, इसके अंदर भी सेडेंटरी, मॉडरेट और हेवी। इसका जो डोज होगा वो मिलीग्राम में होगा, 2 मिलीग्राम पर डे। देखो 2 मिलीग्राम पर डे, 2.5 मिलीग्राम पर डे एंड 3.2 मिलीग्राम पर डे। अगर सेडेंटरी वर्कर है 2 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट वर्कर है तो 2.5 मिलीग्राम पर डे, और हेवी वर्कर है तो 3.2 मिलीग्राम पर डे। अगर फीमेल की हम लोग बात करें, फीमेल की अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज द 1.9, सेडेंटरी है तो 1.9 मिलीग्राम पर डे, मॉडरेट वर्कर है और हेवी वर्कर है तो 2.4 और 3.1, 2.4 और हेवी वर्कर को 3.1 मिलीग्राम पर डे। अब देखो लैक्टेटिंग की बात करें और ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें, सॉरी प्रेग्नेंट की बात करें और लैक्टेटिंग मदर की बात करें, प्रेग्नेंट मदर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको जो रिक्वायरमेंट होगा दैट इज द 2.7 मिलीग्राम पर डे, और लैक्टेटिंग मदर होगी उसको रिक्वायरमेंट होगा दैट इज द 3.2 मिलीग्राम पर डे। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की। देखो यहां तक हमने पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसकी फॉर्म पढ़ी हमने, इसकी डेली रिक्वायरमेंट पढ़ी, फंक्शंस पढ़े और सोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं इसके बेसिकली कि विटामिन जो बी टू है इसकी डिफिशियंसी अगर हो गई तो डिफिशियंसी से क्या डिसऑर्डर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स की हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स फॉर विटामिन बी टू। देखो सबसे पहला डिसऑर्डर हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट इज द ओरल और फेशियल लीजन्स डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ओरल एंड फेशियल लीजन्स, ओरल और फेशियल लीजन्स हम लोगों को देखने मिलेंगे। देन उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो हमारे पास और सोर्सेज हो सकते हैं, जो सॉरी और डिसऑर्डर्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं दैट इज द एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस एंड चिलोसिस, तीन डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। दैट इज द सबसे पहले हो सकता है पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, देखो तीन डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, दूसरा हो सकता है ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है एंड चिलोसिस, चिलोसिस। अब देखो ये तीनों डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहला आता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि लीजन्स का फॉर्मेशन होगा, लीजन्स एट द एंगल ऑफ माउथ, लीजन्स एट द एंगल ऑफ माउथ, ये जो एंगल ऑफ माउथ है यहां पे लीजन्स का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर स्टोमेटाइटिस। देन आता है ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस का सिंपली मीनिंग होगा दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, टंग के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। देन चिलोसिस, चिलोसिस का मतलब होगा ड्राई चैप्ड और अपीयरेंस ऑफ द लिप, ड्राई। दूसरा उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं अल्सर्स एट द लिप, लिप के अंदर ड्राई हो जाएंगे, अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं चिलोसिस। देन उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिल सकता है ऑक्यूलर लीजन्स, ऑक्यूलर लीजन्स, जो आई है उस आई हमारी देखने को मिल सकती है इची, आई के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है इचिंग, देखने को मिल सकता है इची हो सकती है, वाटरी हो सकती है, आई के अंदर आई इची हो सकती है, वाटरी हो सकती है, और इस तरह की कंडीशंस हम लोगों को देखने मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्यूलर लीजन्स। तो ये तीन तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओरल और फेशियल लीजन्स बन सकते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है, चिलोसिस हो सकता है एंड ऑक्यूलर लीजन्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू द विटामिन बी टू और राइबोफ्लेविन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।